हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे NFC टेक्नोलॉजी ATM के बारे में, जिसको हम वाईफाई ATM भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वाईफाई वाला ATM का क्या मतलब होता है और ये टोटल जो भी चीज है, इसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरी देखें अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ATM कार्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वाईफाई का यहाँ पे निशान है, जिसको हम NFC भी कहते हैं। जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी डिवाइस है या कुछ भी चीज़ है, बिना वायर के ये आपका वहाँ पे बिना कॉन्टैक्ट का यहाँ पे उसका यूज़ हो पाएगा। सपोज दैट अगर आप ATM जाते हो और ATM नहीं जाते हो, सपोज दैट आप अगर जैसे कहीं पे आप शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करने के बाद उसको जैसे कि आप पे करना चाहते हो, तो पे आप किस तरीके से करते हो? आप उन्हें अपना कार्ड आप देते हो। कार्ड देने के बाद वो, जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप क्या करते हैं, सिंपल आप सबसे पहले जो ट्रेडिशनल वे में आप क्या करते थे, वो ऐसे इस तरीके से करता था। इस तरीके से करने का मतलब क्या है कि जो भी आपका जो पैसा है वहाँ से डेबिट हो जाएगा और जो भी आपने परचेस किया है वहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा है कि आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना पड़ा, मतलब कि इस ATM को इसके साथ में हो सकता है। फिर इसकी ये करने के बाद क्या होता है कि आप जैसे कि आपको इसमें फिर पासवर्ड डालना पड़ता है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास थोड़ा समय भी वेस्ट होता है। तो समय वेस्ट होने के चलते ये आपके लिए भी दिक्कत है कि आप जैसे देख सकते हो कि जैसे डे बाई डे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जितना समय को रिड्यूस कर सके उस पे काम करती है टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, मतलब ये होता है वाईफाई वाला ATM हम इसे कह सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे वाइट कलर इसीलिए लगा दिया थोड़ा सिक्योरिटी के वजह से। तो जो दोस्तों, जैसे कि इस तरीके से होगा, जैसे कि आप अपना आपके पास ATM कार्ड होगा तो आप वहाँ पे पहले चेक कर सकते हैं कि वो वहाँ पे आपका NFC वाला निशान है कि नहीं, वाईफाई का निशान अगर है तभी ये काम करेगा। तो अभी इसका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने पुराना ATM के बारे में बताया कि आप कॉन्टैक्ट करना पड़ता है फिर पासवर्ड डालना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आपको बस आप क्या कीजिए, जहाँ भी आप परचेस करेंगे, जैसे शॉपिंग मॉल चाहे कहीं पर भी जाकर, तो आप बस उसे ATM दे दे, बस वो यहाँ पैसे एक टच करेगा, आपका जितना भी पैसा वो कट जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे घबरा रहे हो, अरे भाई मेरे में अगर 1,00,000 रुपये या 2,00,000 रुपये या 10,00,000 होगा तो क्या वो कट जाएगा? तो दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हाँ, पैसा तो ऐसे टच करने से कट जाएगा, यहाँ पे आपका देखो सिंपल सा आपका टाइम भी बच गया। सपोज दैट आप पर्स में रखे हो ATM को, तो जो पर्स में क्या करोगे तो आप पर्स को भी ऐसे ऐसे इधर से टच कर सकते हो, तो जो भी पैसा है वो ऑटोमेटिक यहाँ चल जाएगा। आपको पासवर्ड भी डालने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके वो जो मर्चेंट होगा वो आपको पूछेगा कि आप कुछ डालो, अपना जो भी है खुद काम कर लेगा। तो दोस्तों, इसका एक आपको घबराने वाली बात नहीं है कि आपको ये डर लगेगा कि भाई ज़्यादा कहीं पैसा तो ना कट जाए। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक लिमिट क्या होता है, अभी फिलहाल इसको 2,000 तक का लिमिट रखा गया। मतलब कि अगर सपोज दैट आप 2,000 तक के अगर आप परचेस करते हो, 2,000 से अगर नीचे का होगा या 2,000 तक का होगा तब ये आप इसे यूज़ कर सकते हो। सपोज दैट आप पेट्रोल पंप गए, वहाँ पे जैसे कि आप क्या होता है कि तुरंत आपने पेट्रोल लिया और तुरंत आप ऐसे टच करके निकल जाओगे, तो ये सिंपल होता है। लेकिन वही आप पेट्रोल पंप में सपोज दैट आप पेट्रोल लेते हो, फिर ऐसे प्रोसेस जाएगा तो एक तरह से 10-15 मिनट आपका ऐसे वेस्ट भी होगा, और फिर लेकिन ये आपको वो टाइम को रिड्यूस भी कर देगा। और सिंपल है, 2,000 से ज़्यादा भी नहीं है, मतलब कि 2,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होगा तो ऑटोमेटिक ये लेगा ही नहीं, क्योंकि जो इसका जो ट्रांजेक्शन है कोई भी ATM हो, इसका 2,000 से ज़्यादा का नहीं है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, और ये बहुत ही सेफ होता है, सिक्योर होता है, और ये आपको टाइम को बचाने के लिए होता है। अगर आप अभी ATM आप कहीं भी इन द फ्यूचर ले, तो आप बैंक वाले को बोलो कि मुझे NFC टेक्नोलॉजी वाला मुझे ATM चाहिए। मैंने दोस्तों ये बहुत जगह मैंने यूज़ भी किया है, जैसे कि सपोज दैट कहीं आप गए और 200 300 400 500 1,000 ऐसे कुछ खरीदारी किया, तो सिंपल सा आपको, मैं स्टार्टिंग में अभी चौंक गया था कि यार ये कैसा हो गया कि ऐसी कट गया बिना पासवर्ड डाले, लेकिन फिर मुझे बाद में धीरे पता चला कि यार ये तो ऐसा टेक्नोलॉजी आपके पास ऐसा ATM है कि ये आपका NFC टेक्नोलॉजी वाला कि आपको सब डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर मैं पता लगाया कि भाई ऐसा तो सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो फिर पता चला धीरे धीरे कि नहीं, वो तो 2,000 से ज़्यादा का नहीं कर सकते, तो इससे टाइम का बचत होगा और रिस्क ऐसा कुछ है नहीं, सिक्योर होता है। NFC टेक्नोलॉजी अमेरिका में बहुत पहले से चला आ रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं,
और धीरे धीरे होप करता हूँ कि धीरे धीरे लोग लेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको रियली में अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।